आईएएस इंटरव्यू के दौरान महिला उम्मीदवार से पूछा, क्या आप शादी से पहले किसी के साथ सोई हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लॉजिकल सवाल और उनके जवाब बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा गया, मान लो एक आदमी ने नसबंदी करवाई है जिसके एक साल बाद उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चे का बाप कौन होगा? उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर 1982 में एक ऐसा ही केस सामने आया था जिसमें कोर्ट ने कहा था अगर कोई आदमी नसबंदी करवा लेता है जिसके बाद शादी कंटिन्यू चल रही है और उसके बावजूद उसकी पत्नी किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे का बाप वही आदमी कहलाएगा। हालांकि बायोलॉजिकल रूप से वह आदमी उस बच्चे का बाप नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से उस बच्चे का बाप वही आदमी कहलाएगा ताकि बच्चे के भविष्य पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। यह हमारे देश के कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी का फाइनल इंटरव्यू देने गए एक उम्मीदवार से पूछा, ये बताइए आत्मरक्षा के अलावा ऐसी कौन सी तीन स्थिति हो सकती हैं जिसमें आप किसी का मर्डर कर सकते हैं? उम्मीदवार ने इसका जवाब देते हुए कहा, सर अगर मुझे बॉर्डर पर भेजा जाए और वहां पर मुझे किसी एनिमी किसी दुश्मन को मारना हो तो मैं इस सिचुएशन में उसको मार दूंगा, इसके अलावा मैं किसी और सिचुएशन में किसी को नहीं मार सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर ने पूछा, मान लो आप एक आईएएस हैं और आपको अपने असिस्टेंट के लिए एक महिला और एक पुरुष में से किसी एक को चुनना है, उन दोनों की क्वालिफिकेशन समान है, आप किसका चुनाव करेंगे? उम्मीदवार ने इसका जवाब देते हुए कहा, सर मैं इन दोनों में से महिला कैंडिडेट का चुनाव करूंगा। बोर्ड मेंबर ने फिर पूछते हुए कहा, ऐसा क्यों? उम्मीदवार ने कहा, सर इसका रीज़न यह है कि आजकल जॉब्स में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है और अगर दोनों की क्वालिफिकेशन समान है तो मैं महिला का ही चुनाव करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर ने पूछा, आप किस राजनीतिक पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको यह पता चलेगा कि इंटरव्यू के दौरान ऐसे सवालों के जवाब कैसे दें। उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर मैं अब तक यह नहीं समझ पाया हूँ कि कौन सी पार्टी मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन हर पार्टी की कुछ बातें मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम किया है। इसके अलावा बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी के काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह अन्य पार्टियां भी मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से क्लियर नहीं हूँ कि मुझे कौन सी पार्टी ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे सवाल पूछा था, तो चलिए देखते हैं किन किन लोगों ने कमेंट करके सही जवाब बताया था। तो उनके नाम हैं मैथ स्टडी एजुकेशन, अर्शी खान, आजेश कुमार। दोस्तों, फाइनल क्वेश्चन है, महिला उम्मीदवार से पूछा गया, क्या आप शादी से पहले किसी के साथ सोई हैं? महिला उम्मीदवार ने कहा, जी हाँ मैं शादी से पहले अपने माता पिता के साथ सोई हूँ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी सोई हूँ। दोस्तों, यह एक लॉजिकल सवाल था जिससे पता चलता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हो या नेगेटिव सोचते हो? अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।